अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ड्राई क्लास जो है वो दूसरी ड्राई क्लास से इनहेरिट करती है, यानी एक आपके पास पेरेंट क्लास है उससे आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, तो उस चाइल्ड क्लास से भी जब आप एक और क्लास को ड्राइव करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि आपने मल्टी लेवल्स के ऊपर इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म की है। इसको हम एक फिगर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्लास सी जो है बेस क्लास है, इससे आपकी क्लास बी इनहेरिट कर रही है। तो अब क्लास बी यहाँ पे आपकी चाइल्ड क्लास है क्लास सी की। अब इस चाइल्ड क्लास जो कि क्लास बी है, इससे आपने एक और क्लास को ड्राइव किया जो कि क्लास ए है। अब क्लास ए है ये क्लास बी की चाइल्ड है और क्लास बी जो है ये क्लास सी की चाइल्ड क्लास है। इस तरह से आपके पास ये मल्टीपल लेवल्स क्रिएट हो गए कि एक क्लास दूसरी से कर रही है इनहेरिट, और फिर एक तीसरी क्लास है जो कि इस सेकंड क्लास से इनहेरिट कर रही है, और ये क्लास ऑलरेडी ड्राइव कर रही है किसी और क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसको हम डेप्थ के अंदर लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ये हमारी कोडिंग एग्जाम्पल है जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब कर रही है। इस एग्जाम्पल में हमने क्लास व्हीकल एक डिक्लेयर किया है, उसमें हम पब्लिक स्पेसिफायर में इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें सी आउट कर रहे हैं हम दिस इज़ ए व्हीकल। उसके बाद ये बेस क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। उसके बाद हमने इस व्हीकल बेस क्लास से एक क्लास फोर व्हीलर जो है वो सब क्लास इनहेरिट की है, क्लास फोर व्हीलर कॉलन पब्लिक व्हीकल। और उस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसका स्पेसिफाइड में हमने उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया है। उसमें हम सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं सी आउट ऑब्जेक्ट विद फोर व्हीलर व्हीकल। तो अब व्हीकल एक क्लास है, उसका चार क्लास है फोर व्हीलर, और एक और क्लास है कार जो कि इस फोर व्हीलर की आगे चार क्लास है। तो अब यहाँ पे जो सब क्लास ड्राइव कर रही है फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास, तो इसको हम कहते हैं कि ये मल्टी लेवल्स इनहेरिटेंस जो वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो क्लास कार कॉलन पब्लिक फोर व्हीलर, इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, उसमें सी आउट कर रहे हैं कार हैज़ फोर व्हील्स। तो यहाँ पर ये चार क्लास भी क्लोज होगी। उसके बाद मेन में आए, मेन में हमने सिंपली क्या किया है कि एक सब क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमने डिफाइन किया है, और ये ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, ये इन्वोक करेगा कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द बेस क्लासेस, यानी जितने भी हमारे पीछे दो बेस क्लासेस हैं उनके कंस्ट्रक्टर्स को ये इन्वोक कर देगा। जब ये इन्वोक करेगा तो उसके रिटर्न में हमें स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज हैं वो डिस्प्ले होंगे, दिस इज़ ए व्हीकल ऑब्जेक्ट विद फोर व्हील्स आर व्हीकल्स और कार हैज़ फोर व्हील्स। क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो जैसे हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने अपने जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया, जब वो पेरेंट क्लास इन्वोक हुई तो उस क्लास का जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक होगा, यानी कि एग्जीक्यूट होगा। तब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये हमारे सामने स्क्रीन पे पिछली जो हमारी पेरेंट क्लासेस हैं उनके कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुए। जैसे हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो उन्होंने इस कंस्ट्रक्टर के जो मैसेज यहाँ पे जो हमने सी आउट किया हुआ है ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले करवा दिया, दिस इज व्हीकल ऑब्जेक्ट विद फोर व्हील्स आर व्हीकल्स और कार हैज़ फोर व्हील्स। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के हवाले से तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।